नमस्कार जी, मैं सूर्य प्रकाश तिवारी विश्व रक्षक मीडिया से आपसे ये पूछना चाहता हूँ, देश में हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है और जो सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव समाज पे हो रहा है, इन हालातों में बदलाव के लिए आपके हिसाब से क्या कदम उठने चाहिए? विश्व रक्षक आपने कहा, कुछ लोग अपने आप को विश्व गुरु मानते हैं, आप अपने आप को विश्व रक्षक मानते हो, सही बात? मैं नहीं हूँ, जनता है। आज अगर देखेंगे तेलंगाना में, यहाँ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं जो खुलेआम 50 लाख की बैग के साथ पकड़े गए। अगर हम बदलाव में विश्वास रखते, मतलब बदले में विश्वास रखते, पगति मीदे कोपाल तीर्चम कक्ष साधि विंडिक्ट वेंडेटा पॉलिटिक्स में इंट्रेस्ट अच्छे आईन इपाटे जैल ऊचलेक पड़ता मैं बहुश रेपना पोता चूड़ी। We have believed in transformative politics, sir. That's why the kind of growth that is seen in Telangana today has become a role model for the rest of the country. अब बाकी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, मैं बस यही कहूँगा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि आज किसको क्या पहनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किस कदर बोलना चाहिए, कैसे भाषा में, कौन सी भाषा में बोलना चाहिए। कुछ लोग इतने बेवकूफ़ हैं, वो ये मानते हैं कि उर्दू एक अवाम की ज़ुबान है। कुछ लोगों का ये मानना है कि उर्दू जो है एक अवाम की, एक मजहब की ज़ुबान, गलत है। हमारी दादा और हमारी नाना की परवरिश भी उर्दू में हुई थी। कहने का ये मतलब है, लोग ये भी नहीं जानते, ये भी पहचानते नहीं कि भाषा का कोई मजहब नहीं होता। ना हिंदी का कोई मजहब है, ना तेलुगू का कोई मजहब है, ना इंग्लिश का कोई मजहब है, ना उर्दू का कोई मजहब है। अब मैं उनको बेवकूफ़ी बोलूँगा, आई यूज इट केयरफुली ओनली। सो माई पॉइंट इज, क्या बोलना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट की, ये गवर्नमेंट की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये रोल है सोसाइटी की और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनेबलर बनने की, पीस बरकरार रखने की, और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। इस हद तक अगर गवर्नमेंट रहे, हिंदुस्तान बदलेगा और आगे बढ़ेगा। हम विश्वास रखते हैं, फिर से कहता हूं, बदलाव की राजनीति में, बदले की राजनीति में नहीं।